हेलो इन्वेस्टर्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तो आज बहुत दिनों के बाद बात करेंगे हम आई के बारे में जी हाँ आज बहुत दिनों के बाद आई के बारे में न्यूज़ निकल के आई है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई की वो खबर के बारे में एंड साथ ही जानेंगे आई के कुछ टेक्निकल लेवल तो वो जानने से पहले जान लेते हैं आई का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या परफॉर्मेंस रहा है तो जैसा कल मार्केट अप चल रहा था तो आई आर का शेयर भी हमें काफ़ी अच्छा ऊपर देखने को मिला था जहाँ आई आर ने हाई बनाया था आठ सौ का एंड क्लोज होते वक्त वो आठ पे क्लोजिंग दिया है जहाँ ये एक वक्त पाँच परसेंट तक ऊपर देखने को मिल रहा था वहीं मार्केट में डाउनफॉल आने से आई हमें चार परसेंट तक क्लोज होते हुए दिखा है तो अब बात करें अगर न्यूज़ के बारे में तो जैसे अभी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट सभी कंपनियोंज़ के आ रहे हैं तो यहाँ पे आई के नंबर्स भी आने वाले हैं जो कि इसकी डेट रखी गई है आठ फेबरुरी दो हज़ार बाईस यानी इस दिन हमें आई आर सी टी सी में धमाका देखने को मिल सकता है या फिर हम यूँ कहें कि अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है तो भी कोई गलत नहीं होगा क्योंकि क्वार्टर टू के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे लेकिन उस वक्त में जो बिजनेस चल रहा था उससे ज़्यादा बिजनेस क्वार्टर थ्री में आया होगा क्योंकि क्वार्टर टू खत्म होने के बाद कई नई ट्रेनें शुरू हो गई थी एंड साथ ही जो आई आर सी टी सी का मेन रेवेन्यू सोर्स है जो कि हमने आपको क्वार्टर टू रिज़ल्ट के वक्त भी बताया था कि कैटरिंग सर्विस जिसका मेन रेवेन्यू सोर्स है वो भी स्टार्ट हो गया था एंड साथ ही कई स्पेशल ट्रेनें भी स्टार्ट हुई थी तो इसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर थ्री में ज़रूर देखने को मिलेगा तो इसी हमने कहा कि धमाका हो सकता है साथ ही एक और न्यूज़ की बात करें तो आयर पी किसी तारीख को ही रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस करेगी जो कि ये स्प्लिट होने के बाद पहला डिविडेंड होने वाला है तो ये भी एक अच्छी खबर है आई के इन्वेस्टर्स के लिए तो क्या आप आई के इन्वेस्टर्स हैं कमेंट जरूर करें तो ये कुछ अच्छी खबर थी आई के बारे में तो अब देखते हैं कि ये अच्छी खबर चार्ट पे मैच होती है या नहीं तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं आई स्प्लिट से पहले गिरा था एंड उसके बाद लगातार कॉन्सोलीट करता हुआ दिख रहा है एंड हमने आपको स्प्लिट से पहले कई बार बताया था कि इतने ऊपर लेवल पे ना लेके आप वेट कर सकते हैं स्प्लिट का क्योंकि ये स्प्लिट के बाद कॉन्सोलीडेट करेगा एंड आपको मौका देगा तो बिल्कुल वही होता हुआ हमें दिख रहा है एंड एक जोन में ही ये ट्रेड कर रहा है तो अब लेवल की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा नौ सौ पंद्रह रुपीज़ के आसपास एंड उसके नीचे भी एक और रेजिस्टेंस है आठ सौ सत्तर रुपये के आसपास तो अब बायर सी टी सी ये लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल बना रहेगा तो आप ये लेवल नोट कर सकते हैं जब भी ये लेवल आए तब आप इसमें प्ले बना सकते हो तो वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो वो है आठ सौ रुपीस के आसपास एंड शेयर कई बार की तरफ पिछले वीक भी उसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन दिखा के ऊपर निकला है एंड अभी ये ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है जिसमें पहला टारगेट हमें दिख सकता है नौ सौ पंद्रह रुपीस का तो ये लेवल आप नोट कर सकते हैं दोनों ही लेवल काफ़ी अच्छे हैं एंड जब भी आए तब आप इसमें प्ले जरूर बना सकते हो तो यहाँ हमने देखा कि चार्ट एंड न्यूज़ दोनों आई के लिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं तो आप इसे जरूर रडार पर रख सकते हो चाहे आप इसके इन्वेस्टर हो या ना हो एंड चाहे ट्रेड करो या ना भी करो लेकिन आप एजुकेशन पर्पज से इसे जरूर देख सकते हो आपको सीखने को मिल सकता है तो आई होप आपको आई के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करें एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टॉक बाज़ार चैनल से जुड़े रहे एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें साथ ही हमारी टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करना ना भूलें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी